कि इवन इवन लैंग्वेज वास्ते फाइनाइट ऑटोमेटा कि ड्रॉ करी था। तो सब तो पहले आप देख रहे हैं कि इवन इवन लैंग्वेज कही होंगी है। इवन इवन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे हर वर्ड के ईवन नंबर ऑफ एज हो ईवन नंबर ऑफ बीज हो। फॉर इंस्टेंस देखो जरा कि अपने को जो वर्ड्स है कुछ ईवन इवन लैंग्वेज के वर्ड्स है। पहला वर्ड देखो ये 1, 2, 3, 4 एज है, 2 बीज है, एज भी ईवन है, बीज भी ईवन है। नेक्स्ट वर्ड चेक करो, इतने थोड़े को टोटल 6 एज आ, 4 बीज है, सो इट इज ईवन ईवन लैंग्वेज वर्ड। थर्ड वर्ड चेक करो, थोड़े को 3 एज है, ऑड नंबर ऑफ एज है बट ईवन नंबर ऑफ बीज है, सो ये ईवन ईवन ही है, ये ऑड ईवन है। सो बट वी आर यू नो गोइंग टू ड्रॉ अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ईवन ईवन लैंग्वेज कि उत्तर दोनों एज बीज दोनों ईवन होने चाहिए। तो ऑटोमेटा ड्रॉ करने पहले थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट्स दसा कि अगर रेंज रखो तो ऑटोमेटा बड़ा ईजली ड्रॉ कर सकते हो। सब तो पहला ये फिगर आउट करो कि टोटल किनिया पॉसीबल स्टेट्स बनती हैं। जिदा फॉर इंस्टेंस हम देखो ना कि ईवन ईवन लैंग्वेज किनिया पॉसीबल स्टेट्स बन सकती हैं। तो सैकंड तुम चैक करो कि तुम एक स्टेट तो दूजी स्टेट किदा मूव करना। चलो ये देखते हैं कि किन्नी पॉसीबल स्टेट्स है। एक तो स्टेट यह है कि एज भी ईवन हो बीज भी ईवन हो, यानी कि एज भी ईवन बीज भी ईवन। दूसरी पॉसिबिलिटी होंगी है, हो सकती है कि एज तो ईवन हो लेकिन बी जे है वह ऑड हो, जी कि इट मस्ट नॉट बी द एक्सेप्टिंग स्टेट। एक्सेप्टिंग स्टेट ही बनेगी जब दोनों ईवन होंगे। तो इदा ही कह लो कि अगर ये भी हो सकता कि एज ऑड हो बीज ईवन हो, या ये भी हो सकता कि दोनों ऑड हो, ए ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। अच्छा हम आप देखते हैं कि आप एक स्टेट तो दूजी स्टेट च कि मूव कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग स्टेट कि होगी, यानी स्टार्टिंग स्टेट की थोड़े पर कोई वर्ड लैटर रीड नहीं किया तो नल होगा ना। तो उस टाइम ए भी कह लो कि ईवन ईवन स्टेट होगी कि अगर 0 नंबर ऑफ ए है तो 0 नंबर ऑफ बी है तो ईवन ईवन स्टेट ही बनती है। तो आप कह लो कि यही स्टार्टिंग स्टेट है, यही एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो लो जी अगर आप एक ए रीड कर लिया, अगर आप एक बी रीड करते हैं, लेट्स अपने को वर्ड बी है, तो हम की हो गया ए हले भी ईवन है जो कि कोई ए नहीं है, ईवन है बी ऑड हो गया ना। एक बी रीड करने नाल आपां पहली स्टेट तो इस स्टेट आ जाएंगे जिते ए तो ईवन है लेकिन बी ऑड है। लेकिन जो तुम चाहो कि दोबारा बी नू ईवन करना तो एक बी होर पा दो जनाब तो वो बीज ईवन हो जाएंगे। लो जी मैं एक बी अगर होर रीड करदा अपने को अगेन ईवन नंबर ऑफ बीज हो गए। इदी तुम हम वापस ईवन ईवन स्टेट से खड़े हैं, तो तुम अगर इतों मूव करना ऑड ईवन स्टेट्स कि ए ऑड हो, एक अगर होर ए रीड कर लेंगे हो, पहले 0 ए से हम एक ए हो गया तो एज ऑड हो गए, फिर तुम एक अगर ए होर रीड करो तो वापस ईवन ईवन पहुँच जाओगे, एक ए होर रीड किया जनाब तो वापस ईवन ईवन आ गए। अच्छा हम अगर आप इस स्टेट तो ऑड ऑड स्टेट से जाना हो दोनों ए से बी दोनों ऑड हो, इतने ई ई तो पहले ऑड है बी ईवन है, अब बी एक होर रीड करा तो बी भी ऑड हो जाएगा, ई तो पहले ऑड है लेकिन आप इतने बी एड किया 3 भी हो गए बी ऑड हो गया। तो वापस उन्होंने इतने लिया वास्ते अब एक बी होर ऐड करा तो वापस बी ईवन हो जाएगा। मैं जनाब इतने एक बी होर ऐड किया तो वापस ईवन हो गया। ऐसे देख लो इन दोनों स्टेट्स में किदा मूव कर सकते हैं कि ईवन ऑड है ना, कि ईवन नंबर ऑफ एज है ऑड नंबर ऑफ बीज है, तो इतने दोनों ऑड ऑड है, ए नूं ईवन करना तो एक ए होर पा दे जनाब तो ए भी ऑड हो जाएगा। इतने ए लिखता इतने हम ए लिखा 1, 2, 3 ऑड एज हो गए, तो मुड़ के ए नूं ईवन करने वास्ते तुसीं वापस अगर जाओ तो एक ए होर रीड करो वापस दोबारा तो ए भी ईवन हो जाएगा। ए हम एक वर्ड है
जिस सारे कह लो के जड़े है ना, हम आप चेक करते कि वर्ड्स एक्सैप्टेबल है कि नहीं एक्सैप्टेबल। इदा कि वर्ड चेक करने वास्ते की करते हैं कि जनाब आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि वर्ड इतने प्ले काउंट कर लें 1 2 3 4 भी जाके 4 A रह गए, ये वर्ड एक्सैप्ट होना चाहिए था। तो एक्सैप्ट होने की निशानी ये है कि आप जो फाइनल लेटर रीड करेंगे वी मस्ट बी ऑन दिस एक्सेप्टिंग स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं, बी आया आप आ गए इतने, फिर बी आया आप आ गए वापस, फिर ए आया आप आ गए इधर, फिर ए आया आप आ गए वापस अपने घर आ गए जनाब इवन इमेज, फिर बी आया आप फिर इधर चले गए गांडी को, फिर बी आया अपने घर आ गए जनाब, फिर ए आया इधर आ गए, फिर ए आया वापस अपना आखिर तक लेटर के बाद आप अगेन वी आर ऑन द एक्सेप्टिंग स्टेट। यह मतलब है कि ये वर्ड है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इवन लैंग्वेज तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन लेट्स से अगर इतने एक ए हो रहा है आप फिर कितने जाना सकता फिर वापस इतने चले जाना सकता, तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है कि ए लेटर कह लो कि वर्ड रिजेक्ट हो जाना सकता। यानी अगर एक हो बी हो रहा है तो बी भी फिर और हो जाना सकता वापस आप ए इधर आ जाना सकता, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना सकता। हम दोबारा इन एक्सेप्ट करने वास्ते अपन एक ए एक बी होर चाहिए, लो जी एक ए आया एक बी आया तो आप वापस अपने घर आ गए जिते वर्ड एक्सेप्ट हो गया। चलो जी ये और जनाब थोड़ी जी तुसी क्लियर इस तरह पिक्चर देख लो, क्लियर थोड़ी पिक्चर है इंस्टाग्राम की। ओके जी, रब रखा।